ये क्रिकेट आता है टेलीविजन पे, तो एक कोई अफ्रीका का क्रिकेटर आया टीवी पर दिखाई दिया, सुबह के बालों की कटिंग ऐसी कि नीचे को और पा सके सांप और बीच में चरा उड़ने, एक अफ्रीका के क्रिकेटर की कटिंग का देखी भारत के बालक बालक ने कटिंग करवा दी। ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है बेटा। अरे भारत की संस्कृति तो वो है कि जब सिर पे पाल रखे जाते हैं तो एक बजाने की चुटिया रखी जाती है बीच में। तो एक बार एक अंग्रेज ने कहा कि चोरे हिंदुस्तान के हो तुम पर तो कटिंग करा ना आते, कि क्यों नहीं आती, कि सिर के बाल कटवा ले तो बीच में का पूछ सी लटका दूं तो उन्होंने कि सुन, ये भगवान जब आकाश में से ज्ञान की किरणें छोड़ता है उन ज्ञान की किरणों को कैच करने के लिए ये एंटीना है। ये जवाब था। तो कभी भी अगर तुम्हें संस्कृति हावी करवानी है तो अपने देश की करवाओ, दूसरे देश की नहीं। तुम्हारे भारत से ज्यादा संस्कृति और सभ्यता किसी देश की मजबूत नहीं है। और देख लो तुम्हारे यहां शादी होते हैं और शादी होता तो लड़का लड़की के पीछे बखा के पीछे गांठ बांध जाते हैं। कोई लिखा पड़ी है बाकी कि कोई स्टाम्प लगो है कि तहसील में लिखो है, एक बार गांठ बंध गई तो मर की फंदा छूटे हो। ये भारतीय संस्कृति। और दूसरे देश में चले जाओ, आज ब्याह कर लो कल छोड़ दे, फिर दूसरी कर ले क्यों छोड़ दे, कोई नाम बताओ नहीं ना, न कोई फाउंडेशन। ये भारत की सभ्यता है। ए बच्चों बैठ जाओ, देखो एक बार एक अंग्रेज आया अपने पंजाब में, सो पंजाबी दिख गई चलने के टहले हमें बाजार में यार थी दोनों की। मैं बता रहा हूं तुम्हारे देश की सभ्यता कितनी मजबूत है। सो रास्ता के सारे एक ठेला पर केला बेच रहा था, सुबह अंग्रेज ने कही गए व्हाट इज दिस, पंजाबी ने कही गए दिस इज ए बनाना, कि तुम्हारी ना केला इतना बड़ा हो तो पंजाबी ने कहते ना कितना बड़ा हो तो मेजा हो तो इतना बड़ो, पंजाबी की बात चढ़ा हुआ चलने पर आगे आगे लागे तो सेब बिक रहे थे, सुबह ने फिर कही कि व्हाट इज दिस, मैंने कि दिस इज एन एप्पल, कि तुम्हारे यहाँ सेब इतना बड़ा हो तो पंजाबी की तेजा कितना बड़ा हो तो है कि मेरे यहाँ सेब इतना बड़ा हो तो उन्हें कि चले और चले गए ना। तो तुम्हें देखी हो तो ये तरबूज सड़क के सारे बिकट मिलेंगे, कौन चले जाओ तुम, तो तरबूज धरे सड़क के सारे, सुबह ने फिर कही कि व्हाट इज दिस, पंजाबी ने कही कि मेरे भारत को अंगूर है, बोलते ना कितने बड़े होते हैं अब कहां ले जाए। तो ये बता रहा हूं कि अपने देश की सभ्यता मालूम है, अपने भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है मालूम है, कहूं जलेबी। तो एक अंग्रेज आया यहां से जहाज से आया था, जलेबी खरीद रहे हो यहां पे, जलेबी का बढ़िया चीज थी किसी ना ले। अब जो जान पाने अपने देश में जाके धरी कि भैया पहले तो जाको जिगड़ तो बताओ जा जलेबी में चाशनी कहां है, कोई है साफ वैज्ञानिक लगा दी जी बताओ खोज के कि जा जलेबी में चाशनी कितना है कि घुसी है। एक सबसे बड़ा वैज्ञानिकों से बात की चोरे जी बता तुझे एक बीमारी है फिर खरीद लाओ, बहुत तेरा पहले 30-40 साल पहले हमारे यहाँ का डेविड नाम का आदमी गया था, तो हिंदुस्तान से समोसा खरीद के लाओ, सुबह की आज तक पता ना कर पाए कि बस समोसा में आलू कहाँ है वो है। ये है विज्ञान तुम्हारे भारत की। तो बेटा ये विदेशी कटिंग है इसे बंद कर, बंद और क्या तुम जी जानते हो अच्छी लग रही बालक बेहू हटाए भाई 20% तीन बाल हिंदुस्तान के कटवाए, तो तुम देखो उनकी कितनी अच्छी लग रही। ऐसे विदेशी सभ्यता को हावी मत होने दो। और यज्ञपति महाराज लड़ा रहे